नमस्कार दोस्तों, जोगलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जी। ठीक है जी, कौन सी अपॉर्चुनिटी है? हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इंफॉर्मेशंस मिस होने वाली हैं। ठीक है जी, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, प्रॉपर वे में पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। जो कि फतेहाबाद हरियाणा रोडवेज है, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप की आई हुई है। जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद फतेहाबाद की आईटी ट्रेड में अलग अलग ट्रेड्स में 23 पोस्टों पर आपकी अप्रेंटिसशिप आई हुई है जी। फतेहाबाद रोडवेज में आईटीआई की अप्रेंटिसशिप है। कब से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट है? आज 3 मई है जी, कल 2 मई से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट है। लास्ट डेट 11 मई है। कितनी है जी लास्ट डेट? 11 मई। ठीक है जी, और आप अप्लाई कैसे करोगे, पूरी प्रोसेस बताएंगे। कोई भी कैंडिडेट स्किप ना करे। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिसशिप है जी, इसमें कोई भी किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है। और मेन बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट मिनिमम कम से कम 14 साल आपकी एज होनी जरूरी है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और पीएच फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन रहने वाली है। मिनिमम एज 14 साल मांगी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, आईटीआई अप्रेंटिसशिप की ट्रेड आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, और इसमें 10वीं कम से कम 50 मार्क्स में मांगी हुई है, और साथ में आईटीआई आपकी रिलेटेड ट्रेड में मांगी हुई है। टोटल में 23 पोस्टें हैं। कितनी है जी? टोटल में 23 पोस्टें हैं। ठीक है जी, हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद में अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें किस किस में कितनी कितनी पोस्टें हैं। डीजल मैकेनिकल के लिए, मैकेनिक के लिए 10 पोस्टें हैं जी। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक के लिए 3 पोस्टें हैं। पेंटर जनरल के लिए 2 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए 5 पोस्टें हैं, और मशीनिस्ट के लिए 2 पोस्टें हैं। कारपेंटर की 1 पोस्ट है। ठीक है जी, 1 पोस्ट इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा डीजल मैकेनिकल की पोस्टें हैं। ठीक है, और बस उसके बाद नेक्स्ट बात करें, आपकी 10वीं और आईटीआई के बेस पर मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस तरह पहले हिसार में भी इसी तरह आईटीआई की अप्रेंटिसशिप ओपन हुई थी, अब फतेहाबाद में ओपन हुई है जी। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है, वो भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। हर एक स्टेट वाइज कोई भी नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे। उससे पहले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ। ये देख सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट है जी, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। ठीक है जी, और हरियाणा रोडवेज की है, और इसमें ये नोटिफिकेशन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिया हुआ है जी, कर्मशाला में प्रशिक्षुओं के को रखने हेतु उपरोक्त विषय में संदर्भ में, यानी कि इसमें लिखा हुआ है जी, आगार की कर्मशाला में प्रशिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण डीजल मैकेनिकल वेल्डर पेंटर कारपेंटर विद्युत कार और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 23 अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को मांगा गया है। 23 सबसे ज़्यादा डीजल मैकेनिकल की पोस्टें हैं जी। आगार द्वारा जो कि 2/5 से, यानी कि 2 मई से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हैं। 11 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है जी, इसमें 17 मई को आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों की जांच की जाएगी, यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा 2 से 11 मई तक, उनके 17 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जी, मेरिट लिस्ट के बेस पर। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि इसी तरह हर हिसार की जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे, उनको पता होगा हिसार के भी पहले इसी तरह नोटिस आया था, और उसमें मेरिट लिस्ट लगी थी। मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरिट लिस्ट आउट हुई। जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उनकी लिस्ट फिर आउट हुई। इसी तरह इनकी भी होगी, फतेहाबाद में भी होगी, वो भी आपके साथ शेयर टाइम टू टाइम करते रहेंगे। 17 मई को आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक फतेहाबाद की कर्मशाला में आपके होने वाली है। ठीक है जी, सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि इस बारे नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करके विद्यार्थियों को अवगत करवाने का कष्ट करें। यानी कि ये जो है महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, यानी कि हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद की तरफ से 23 कैंडिडेट्स को
और अप्रेंटिसशिप के लिए अपॉइंट किया गया है, आमंत्रण दिया गया है, और इसमें आपको 17 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होने वाली है। कितनी है, कब को जी? 17 मई को। इसमें 11 मई लास्ट डेट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, 11 मई अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी आपकी, और आपके 17 मई को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि 10th ITI आपका, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी हरियाणा रेजिडेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे, जो जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अप्लाई करते टाइम आप दोगे, वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो आपने अप्लाई करना है तो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैकेनिकल डीजल के लिए बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक चीज़ है जी, मैकेनिकल डीजल लिखा है, मैकेनिक डीजल लिखा हुआ है फतेहाबाद। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन ये ओपन हो चुका है, कई कैंडिडेट्स कई बार कह देते हैं अभी ओपन नहीं होता, और इसमें 6 दिन वर्किंग है जी, कोड आपका ये कोड है 791 कोड है, इसका स्ट्रेंथ है, और हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद स्टेट गवर्नमेंट की ये पोस्ट है, वो भी अप्रेंटिसशिप है, 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको स्टाइफंड मिलेगा, ठीक है जी। और इसमें आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेल मांगे हुए हैं जी, कोई भी फीमेल नहीं मांगा कैंडिडेट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। और ड्यूरेशन बात करें तो 25 मंथ, यानी कि करीबन करीबन 2 साल की बताइए, वैसे अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है, बाकी मेंशन तो 25 मंथ का रखा है, बाकी दे पता लग जाएगा। मैं अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी करोगे, लॉग इन फॉर फर्स्ट अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटी, लॉग इन यानी कि पहले आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, जिन्होंने पहले ITI में अप्रेंटिसशिप कहीं पर नहीं की, ITI बेस पर, वो ही अप्लाई करेंगे फर्स्ट, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं की, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पर आपके पास फ्रेशर के पास लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं होगा, और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है सिंपली, ठीक है जी। और रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कैंडिडेट मिल जाएगा, ये आपने अपना नाम, फादर नेम, रिलेशन, या पर फादर कर दीजिए, फादर नेम लिखे, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटर मोबाइल नंबर, मेल ID कंफर्म करनी है, पासवर्ड भी 2 बार कंफर्म करके इसको राइट सिलेक्ट करना है, भी मैंने जो जो कंडीशनें पढ़ी हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर कर देना है, और रजिस्टर होने के बाद, ठीक है, उसमें आपको ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आपने वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, ये लॉगिन का ऑप्शन मांग गया, यहाँ पर आपने लॉगिन करके फिर अप्लाई करना है। जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करो पहले लॉगिन जरूर कर लीजिए, यही पोर्टल है, लॉगिन करके फिर आप अप्लाई का ऑप्शन खोलोगे तो और इजी वे में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह वेल्डर की बात करें, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर की पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह बात करें पेंटर, पेंटर के लिए आपको देखने को मिल जाएगी, ये पेंटर की है, दो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है जी। और इसमें सारी की सारी डिटेल्स में लिखी हुई है, इसमें 8वीं मांगी हुई, मिनिमम क्वालिफिकेशन 19 महीने का आपका ये वर्क रहने वाला है, अप्रेंटिस रहने वाली, ये सारी आप नोट डाउन चेकआउट कर लीजिएगा। कारपेंटर की बात करें, ये कारपेंटर की पोस्टें हैं, ठीक है जी, इसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिशियन की, ये इलेक्ट्रिशियन की आपको मिल जाएगी अप्लाई करने का लिंक, और उसके बाद मशीनिस्ट, मशीनिस्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करना, पहले लॉगिन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लॉगिन जरूर मांगेगा, जैसे आप अप्लाई करते हो प्लीज लॉगिन, ठीक है, पहले लॉगिन करना जरूरी है, फिर ही आप अप्लाई करोगे। अगर टेक्निकली कोई सपोर्ट चाहिए तो इन नंबर्स पर आप कंसर्न भी कर सकते हो, किस तरह की कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है जी, वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, 11 तारीख तक आप अप्लाई कर पाओगे, लास्ट है जी 11 तारीख, और 17 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। एक आपके लिए वेबसाइट भी ओपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम जॉब अलर्ट, इसमें अभी तक आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल गए हैं जी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आंसर की। इनमें से जो जो एडमिट कार्ड आए हुए हैं, जैसे
कल ही आंसर की आई है, एक दो की, वो आंसर की आपके साथ शेयर कर दिए। एसएससी सीजीएल की आंसर की भी आई है, ऑब्जेक्शन लिंक भी एक्टिवेट हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर आंसर की में, ऑब्जेक्शन लिंक और आंसर की यहाँ पर देख दे मिल जाएंगे आपको। सिलेबस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर एडमिट कार्ड सभी के अलग अलग पोस्टों के एडमिट कार्ड हैं जी, ठीक है, और जो जो अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट, ये सभी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कोड वाइज सब कुछ आपको गिवन होता है। एक दो चीज़ें दिखा देते हैं, ये देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। कौन सी है, यूपी की पोस्ट है जी, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर का, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करोगे, सिंपली क्लिक करते ही आपको ये सारे का सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरह आप इस वेबसाइट का भी हमें सेव कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल है, एग्जाम जॉब अलर्ट .com वेबसाइट है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं जी। और ये सारी जॉब्स आपको यहाँ पर, लेटेस्ट जॉब यहाँ पर अप्लाई लाइव में मिल जाएंगी, वो भी जैसे जैसे आती हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। जाते जाते फिर बता देते हैं, 11 तारीख तक, 11 मई तक अप्लाई कर पाओगे। 17 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जैसे कोई और नोटिफिकेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए और वेबसाइट का सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।